अपना चैनल नूरी किरण मैं लेके आई हूँ सबके लिए प्यारा सा लुक। ये लुक किसी भी आउटफिट के साथ चला जाएगा, अनारकली साड़ी एंड पंजाबी सूट। तो देख लेते हैं ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है आगे की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, आपका अगेन स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते विदाउट अ वेस्टिंग टाइम, लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। फेस वॉश कर लिया है मैंने, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी न्यूट्रीजाना कल्टा सील ड्राई टच सनस्क्रीन। ये SPF 50 है, ये काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है, तो मॉइस्चराइजर का काम भी करेगी और ये सनस्क्रीन का काम भी। तो मैं इसको अपने हाथ से अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, देन मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी निविया के लिप बाम से। तो इससे क्या होता है हमारे लिप्स लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक रहती है। देन अभी हम अपने बालों को फोल्ड कर लेंगे, जिससे मेकअप करते हुए हमारे बाल हमारे फेस पर ना आए। तो हमारा ये सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर हो गया है, देन हम अप्लाई करेंगे स्प्रे क्योंकि का कलर करेक्टर। तो इसमें मैं कलर करेक्टर ले रही हूँ, ये कंसीलर है बट मैंने इसमें जो कलर मंगाया वो कलर करेक्टर की तरह। तो यहाँ जहाँ मेरे फेस पे पिगमेंटेशन हो रही है वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। हमको फिर नीचे डार्क सर्कल थोड़ा सा जहाँ पे स्पॉट है वहाँ पे, जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन हो रही है वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। तो इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यू कैन सी किस तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ कलर करेक्टर मोस्टली यूज़ करना चाहिए। देन अब हम अप्लाई करेंगे प्राइमर, उसके लिए ले रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। परफेक्ट स्टूडियो पे प्राइमर है, काफ़ी अफोर्डेबल है, 200 में आ जाता है। जहाँ जहाँ मेरे ओपन पोर्चेस है वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे। यू कैन सी प्राइमर से होता है कि हमारा बेस जो है वो काफ़ी अच्छे से निखर के आता है, लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक बेस हमारा क्रिएट होता है। इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ सुस्वीटी का ही, ये 100-200 कंसीलर है। तो इसको डैप डैप करके सुस्वीटी एप्लीकेटर से अपने डार्क सर्कल पे थोड़ा सा, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग चाहिए वहाँ वहाँ, जहाँ स्पॉट है वहाँ अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो कंसीलर हमेशा हमारे फेस की से एक या दो लाइट होना चाहिए, इससे क्या होता है हमारे जो भी डार्क स्पॉट वगैरह हैं वो हाइड हो जाएंगे। थोड़ा सा अपनी आँखों पे भी अप्लाई कर लूँगी आँखों के ऊपर। सो फ्रेंड्स, इसको मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप इजीली तरीके से चेकआउट कर लीजिए। तो इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैप डैप करते हुए इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग हमें अच्छे से करनी है डैप डैप करते करके। देन अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, उसके लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन का फिटमी फाउंडेशन। इसमें जो मेरा शेड है 310 है, तो थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अब देख सकते हो किस तरीके से डैप डैप करते हुए। पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, देन हम इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एक ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रश लिया हुआ है, इसी से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन को अपने फेस पे। यू कैन सी कि इस तरीके से मैं अपने फेस पे इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड हमारा फाउंडेशन कंसीलर जो भी हमारा बेस अच्छे से होगा तो हमारा मेकअप भी लॉन्ग टाइम तक रहेगा। तो आप देख सकते हो मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से, मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो, यू कैन सी ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। देन हम स्टार्ट करेंगे अपने जो भी बेस है उसको सेट करने के लिए। तो सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉम्पैक्ट, NYV का कॉम्पैक्ट है ये। तो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी, ये हो गया। देन अब हम इसको सेट कर लेंगे। तो NYV का कॉम्पैक्ट लेके मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। जो भी हमारे क्रीमी फॉर्म में थे हम इसको सबको सेट कर लेंगे अपने फेस पे। यू कैन सी थोड़ी सी नेक पे, जिससे नेक का कॉम्प्लेक्शन और हमारी फेस स्किन का कॉम्प्लेक्शन सेम ही हो। उसके बाद हम करेंगे कॉन्टोर। तो फेस कॉन्टोर करने के लिए मैंने लिया है इससे किसी का ही कंसीलर। इसमें मेरा जो शेड है वो चॉकलेट कलर में है, तो ये अच्छे से कॉन्टोर करेगा हमारे फेस को। तो देख सकते हो मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। तो ये अच्छे से हो गया है। देन हम इसको भी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे।
यू कैन सी ये फटाफट से हो जाता है बिकॉज ये क्रीमी फॉर्म में है, ये जो इसका फॉर्मूला है वो क्रीमी फॉर्म में है। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है हमारे फेस पे, जहाँ जहाँ मैंने कंट्रोल किया था वहाँ वहाँ नेक पे, चिप्स पे, तो हर जगह ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है, आप देख सकते हो। देन अब हम स्टार्ट करेंगे अपन अपनी आईब्रोज को। तो आईब्रो के लिए मैंने ली है मियोन की आईब्रो पेंसिल। इसमें जो हमारा शेड है वो ब्राउन है, ब्राउन एंड ब्लैक कलर ही आते हैं, तो आपकी आईब्रो का जो भी शेड हो आप उस शेड को अप्लाई कीजिए, देन आपकी जो आईब्रोज हैं वो नेचुरल फिनिश देंगी। तो नेचुरल लुक आने के लिए मैं इसको हल्के हल्के से अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईब्रो पे, आप देख सकते हो। तो जो भी शेप होता है हमारी आईब्रो का उसी डायरेक्शन में हमें अप्लाई करना होता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मेरी जो आईब्रोज है वो नेचुरल लग रही है। इसी के कॉम से हम इसको कॉम कर लेंगे, जो भी कैप में ब्रशेस आते हैं उससे हम इसको कैप कॉम कर लेंगे। तो आईब्रोज हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए हम ले रहे हैं कलरवुड का आई शैडो पैलेट, ये काफ़ी अच्छा आई शैडो पैलेट है। ये मैंने मीशो से लिया हुआ था, तो ये इसमें होता है बिकॉज इसमें एक ही उसमें सारे चारों लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम ये सेंटर वाला कलर लेंगे ट्रांजेक्शन के लिए, अपनी क्रीज को डिफाइन करेंगे। तो ये मैं क्रीज के थोड़ा सा ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, आउटर व्यू ड्रॉ करते हुए। तो आप देख सकते हो अप एंड डाउन डायरेक्शन में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरीके से हम अपनी सेकंड वाली आई को भी अप्लाई करेंगे आउटर व्यू से क्रीज को डिफाइन करते हुए। तो आप देख सकते हो हमारी क्रीज अच्छे से डिफाइन हो रही है अप एंड डाउन डायरेक्शन में। तो हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन अब हम लेंगे ये थोड़ा सा डार्क कलर, तो इसको हम अपनी आउटर व्यू से अप्लाई करेंगे क्रीज को डिफाइन करने के लिए। तो क्रीज हमारी अच्छे से डिफाइन हो रही है, अप एंड डाउन डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। यू कैन सी हमेशा ब्रश को थोड़ा सा हल्के हाथों से पकड़िए एंड देन अप एंड डाउन डायरेक्शन में इसको ब्लेंड कीजिए। हमेशा नेचुरल लुक आ जाता है, इससे नेचुरल फिनिशिंग आती है। तो ये हम आउटर व्यू से सेंटर तक अप्लाई कर रहे हैं अपनी आईज पे। यू कैन सी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देन हम दूसरा ब्रश लेंगे क्लीन ब्रश, उसकी हेल्प से हम ये वाला कलर पिक करेंगे। थोड़ा सा शाइनी टाइप में है, तो ये गोल्ड शाइनिंग कलर है, ये पर्टिकुलर गिल्टन नहीं है बट ये सैम्पेन टाइप का एक शाइनिंग कलर है। देन हम दूसरी वाली आई से भी अप्लाई कर लेंगे। बहुत सिंपल ही आई मेकअप है हमारे यहाँ पे। तो ये हो गए हैं अब हमारे, इसको हमने इनर वी से सेंटर तक अप्लाई किया है बस, हम बिल्कुल आउटर वी तक नहीं लेके गए हैं इस कलर को। देन अब हम अप्लाई करेंगे थर्ड ब्रश से। तो ये थोड़े ग्लिटर टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो इसको मैं अपने ब्रश की हेल्प से अप्लाई हो जाता है, ग्लिटर फॉर्म में है ये। तो हमको सिर्फ ब्लेंड नहीं करना है, उठा के अच्छे से प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो मैं सिर्फ वहाँ पे ब्लेंड नहीं कर रही, सिर्फ प्रेस कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा फॉल आउट होता है, तो यू कैन सी ये मेरे भी फॉल आउट हो रहा है। तो हम इसको बाद में रिमूव कर देंगे एक क्लीन ब्रश की हेल्प से। तो ये अच्छे से अप्लाई हो जाए हमारी आई पे, आप देख सकते हो थोड़ा सा शाइनिंग गोल्डन है, ये गोल्डन पार्टिकल्स हैं जो हमारी इसी आई शैडो में दिए हैं। तो आई शैडो हमारा हो गया है ऑलमोस्ट। तो अब हम अप्लाई करेंगे जो मैंने आई पे शाइनिंग वाला लगाया था ना, इसके गिल्टर के नीचे, वही मैं अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैं हमेशा लगाती हूँ। और जो हमारे ट्रांजेक्शन कलर लिया था उसी को हम अपने लैसेस के लोअर लैसेस पे अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा पिंकी शेड देने के लिए। तो पिंकी इफेक्ट आ जाता है इससे। अब हम इसको एक ब्रश की हेल्प से रिमूव कर देंगे, जो भी हमारे एक्स्ट्रा एक्सेस थे उन सबको हम रिमूव कर देंगे। तो ये रिमूव हो गया है। देन अब हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैं ले रही हूँ लैकमे का आईलाइनर। तो इसको हम अच्छे से अपनी आई पे ड्रॉ करेंगे अपना आईलाइनर, थोड़ा सा मोटा रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, हल्की सी विंग ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी सेकेंड वाली आई पे भी अप्लाई कर लेंगे। तो ये हल्की सी विंग ड्रॉ करते हुए हल्का सा मोटा आईलाइनर है ये, लुक एट दिस। सेम इसी तरीके से हम सेकेंड वाली आई पे भी अप्लाई कर लेंगे।
ऑलमोस्ट दोनों आँखों का जो आईलाइनर है वो सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि फिर आँखें बहुत अजीब सी लगती हैं। मैं इसमें भी थोड़ी सी हल्की सी विंग ड्रॉ करूँगी, यू कैन सी। तो आईलाइनर हमारा हो गया है, देन अपने लोअर लैसेस और अपर लैसेस को मस्कारा की हेल्प से करेंगे। तो इसमें मैंने लिया है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। तो एक बारी मैंने इसको लिया हुआ है, आप देख सकते हो इससे मेरे लैसेस कितने अच्छे से होंगे, वॉल्यूम दे देता है, वाटर प्रूफ है। तो ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा है, अफोर्डेबल भी है ये मस्कारा। देन अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ सुगर का मिनी ई ब्लश। तो इसको ये इसमें मेरा जो शेड है वो कोरल 05 कोरल है। तो आप देख सकते हो अपने चिक्स पे मैं इसको इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा ब्लश है। तो ब्लश हमारा ऑलमोस्ट दोनों चिक्स पे हो गया, अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको भी। जहाँ जहाँ मुझे पिंकी फैक्ट्री है वहाँ वहाँ मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन अब हम स्टार्ट करेंगे हाइलाइटर। उसके लिए मैं ले रही हूँ NYV का ब्लिंगिंग आई शेडो पैलेट। ये सिंगल आई शेडो पैलेट है, इसमें मेरा जो शेड है वो हाईलाइटिंग वाला ही है, नॉर्मली पिंकी कलर में। देख सकते हो आप कितने अच्छे से इसने मेरे चिक्स को हाईलाइट कर दिया है, चिक्स पे, नोज़ पे, टिप ऑफ द नोज़ पे, फोरहेड पे, हर जगह अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर लिया अपने पूरे फेस पे, जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग चाहिए थी। देन हम अपनी आईब्रोज़ के कॉर्नर को भी फिल करेंगे, तो उसको इसी हाईलाइटर से ही मैं फिल कर रही हूँ। सो ये हो गया है। देन अब हम अप्लाई करेंगे आँखों के नीचे आईलाइनर। तो इसमें जो मेरा है लैक्मे आइकॉनिक काजल है, तो मैं उसी से अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा आईलाइनर मेरी आँख के ऊपर आ गया है, तो उसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर लूँगी। तो आप देख सकते हो अब मैं स्टार्ट करूँगी लिप लाइनर। तो उसके लिए ली है मैंने ADS की 10 रुपये वाली लिप लाइनर। इससे मैं अपने लिप्स को अच्छे से शेप में ले जाते हुए ड्रॉ कर लूँगी अपने लिप्स को। थोड़ा सा मेरा लाइनर थोड़ा सा आई शेडो पर आ गया, तो इसको मैं रिमूव कर लूँगी बैक कैमरा। तो अब मैंने ली स्टिक, क्योंकि की मिनी लिपस्टिक। इसमें मेरा जो शेड है वो मरून है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है। ऑलमोस्ट हमारा मेकअप डन है, इतने से हमारा मेकअप। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, यू कैन सी गाइस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को भी क्लिक कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो आप पूरा देख लेते बट सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अपनी आगे की वीडियो में, जब तक के लिए मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, खुद भी सेफ रहिए और फैमिली को भी सेफ कीजिए। मिलते हैं अपनी आगे की वीडियो में, बाय, टेक केयर गाइस।